NTAUGCNET yani Imaginet. सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम रिसर्च के अंदर स्टेप ऑफ रिसर्च में से देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक रिपीट हुए हैं। दोस्तों ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है और आज हम आपको विद प्रूफ दिखाने वाले हैं कि किस तरह से स्टेप ऑफ रिसर्च में से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। और वैसे हमने एक और वीडियो भी पहले बनाई थी, उसके अंदर हमने आपको रिसर्च के जितने भी स्टेप हैं, अलग अलग तरह के जो रिसर्च होते हैं उनके अलग अलग स्टेप होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उन सभी के बारे में हमने आपको बताया है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कि इसमें से किस तरह से रिपीट हुए। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दिसंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन्होंने वैज्ञानिक शोध जो होती है उसका प्रोसेस पूछ लिया, उसके स्टेप पूछ लिए। यहाँ पे हमने यहाँ पे हिंदी में दिया है, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहे तो ये इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये देखिए जैसे द सिक्वेंशियल ऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च की सिक्वेंस इन्होंने यहाँ पे पूछ ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, को वेरिएशन, एलिमिनेशन ऑफ सीरियस रिलेशन और जनरलाइजेशन और फिर है थ्योरीराइजेशन। तो इसमें देखिए दोस्तों अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आएगा सहविचरण, फिर आएगा भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, फिर आएगा सामान्यीकरण और फिर आएगा सिद्धांतीकरण। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पहले हमारी वीडियो उसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों जो साइंटिफिक रिसर्च है ये काफ़ी बार पूछी गई है, आगे मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ये रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। और मैं दोस्तों आपको बार बार कहता हूँ कि हमारे लिए ओल्ड पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी काफ़ी क्वेश्चन है इसमें जो रिपीट हुए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन, ये देखिए जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 57, शोध निबंध के अनिवार्य तत्व बताइए, यानी कि जो शोध निबंध होता है उसका उसकी क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप है और क्या क्या एलिमेंट है उनके, वो हमें बताने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर डी है, प्रस्तावना, सबसे पहले उसकी प्रस्तावना आएगी, फिर आएगा साहित्य पुनरीक्षण यानी कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है वो आएगा, फिर शोध प्रणाली आएगा, फिर परिणाम, फिर चर्चा और फिर निष्कर्ष। आप चाहे तो इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ 57 नंबर क्वेश्चन है ये, शायद एक मिनट रुकिए दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन है ये और ये हम इसमें देखते हैं, ये देखिए हाँ ये रहा, ये देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे नीचे और ये पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है। तो इसका आंसर डी दिया है, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मेथडोलॉजी और फिर रिजल्ट और फिर डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुए हैं। आगे हमारे पास दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चन मार्क किए हुए ताकि हमें खोजने में आसानी मिल जाए। ये दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर ये 6 है। ये देखिए शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है, यानी कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूँ करीब 3 बार अभी तक आ चुका है, पहले एक बार आया था 2010 के अंदर आया था ये पहले क्वेश्चन, और अब की बार भी ये देखो ये 2015 में रिपीट हुआ है शायद यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि शोध करने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि शोध करने के लिए हमारे लिए सबसे पहले एक अच्छा प्रश्न होना चाहिए, यानी कि हमारे पास एक अच्छी समस्या होनी चाहिए जिसका अभी तक सॉल्यूशन ना निकल पाया हो, तो वैसी हमारे पास समस्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, क्योंकि ये कई बार पूछी जा चुकी है। और आगे हम बात करें दोस्तों, आगे क्वेश्चन है हमारा,
आगे देखिए दोस्तों, अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है और इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक देखिए, पीएचडी शोध प्रबंध में अध्याय योजना को दर्शाने के लिए सही अनुक्रम क्या है, यानी कि जो पीएचडी शोध प्रबंध होता है उसमें क्या क्या अध्याय होते हैं वो हमें बताने हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इन पीएचडी थीसिस विच वन इज द करेक्ट सिक्वेंस फॉर शोविंग स्कीम ऑफ चैप्टराइजेशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, आंसर यहाँ पे हम देख लेते हैं। आंसर इसमें सबसे पहले आएगा दोस्तों इंट्रोडक्शन, फिर आएगा सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडी, डिजाइन ऑफ स्टडी, डेटा प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जितने भी स्टेप हैं वो आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में, और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे हिंदी में भी इनके स्टेप वो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और सिंपल रिसर्च से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। और अब ये देखिए दोस्तों, जो जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये हमारा, और इसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर टू एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में इन्होंने पूछ लिया कि जो एक्शन रिसर्च होते हैं उसके क्या क्या स्टेप होते हैं। और जो एक्शन रिसर्च है दोस्तों, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। मैंने एक और भी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो रिसर्च होती है, टाइप ऑफ रिसर्च, उसमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्शन रिसर्च आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है दोस्तों आंसर नंबर टू, यानी कि योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण, विमर्श। यहाँ पर आप यहाँ पे दोस्तों आप इसको हिंदी में देख सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू, इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप। तो इसके अंदर जो आंसर है दोस्तों, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2018 में भी आया है और शायद 2019 में भी आया है। अभी हम देख लेते हैं 19 का पेपर भी देखते हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, निम्नलिखित में से अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है। इन्होंने जो सिंपल रिसर्च है वो यहाँ पे इन्होंने पूछ ली। तो सिंपल रिसर्च में दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है प्रश्न तैयार करना, हमें समस्या का पता लगाना, जिस पे हमें काम करना है वो सही तरीके से डिफाइन करना। तो इसके अंदर जो आंसर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आंसर नंबर थ्री है इसके अंदर, और थ्री में जो स्टेप है वो है समस्या स्थापना, यानी कि सबसे पहले वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास प्रश्न होना चाहिए, समस्या होनी चाहिए, फिर परिकल्पना निर्माण यानी कि हाइपोथेसिस होनी चाहिए, और उसके बाद दोस्तों शोध अभिकल्प का विकास, पद्धति एकत्रित करना। देखिए हिंदी में आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इंग्लिश में भी इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, विच सिक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अपना जो आंसर था थ्री था ये था, तो इसमें ये देखिए प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, फिर आएगा हाइपोथेसिस मेकिंग, फिर आएगा डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, फिर आएगा कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर आएगा डेटा एनालिसिस, और फिर आएगा फॉर्मुलेशन ऑफ जर्नलाइजेशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ये PDF लेना चाहें जिसमें हमने 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक रिसर्च के जो क्वेश्चन है वो अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग है, टीचिंग के अलग है, तो आप ये PDF ले सकते हैं। और इसके लिए आप हमें WhatsApp पे मैसेज कीजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये देखिए दोस्तों जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है, और क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने फिर से ये देखिए क्रियात्मक शोध के बारे में इन्होंने पूछ लिया, यानी कि एक्शन रिसर्च के बारे में इन्होंने पूछ लिया। तो एक्शन रिसर्च अभी हम करके आए हैं, तो उसमें
इसके अंदर देखिए नियोजन क्रियान्वयन। अब देखिए हिंदी में क्या है कि जो शब्द है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन अब आप इंग्लिश में देखोगे तो बिल्कुल सेम रहेगा। नियोजन होता है दोस्तों प्लान करना। अब देखिए इसका हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए 7 है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये रहा अपना। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे इन्होंने एक्शन रिसर्च के बारे में पूछा हुआ, तो इसका जो आंसर है आंसर नंबर 4, प्लान एक्ट ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। ये देखिए दोस्तों कितना आसान है हमारे लिए ये याद करना, और मैं बार बार दोस्तों कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और आप लाइव प्रूफ देख ही रहे हैं कि किस तरह से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो और इसके बाद में एक और क्वेश्चन देखते हैं हम जो जुलाई 2018 में ही आया है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर वैज्ञानिक विधि के बारे में पूछ लिया, वैज्ञानिक जो शोध होती है साइंटिफिक रिसर्च, और अभी हमने पीछे भी देखा था साइंटिफिक रिसर्च में से क्वेश्चन आया था 2017 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हम देखते हैं, वो नहीं था एक क्वेश्चन जिसमें हम पढ़ रहे थे भ्रामक संबंधों का विचरण, एलिमिनेशन ऑफ, वो क्वेश्चन नहीं था जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे भ्रामक संबंधों का विचरण, तो ये वही है साइंटिफिक रिसर्च। तो इसका जो आंसर है, आंसर देखिए आंसर नंबर 2 है इसके अंदर, यहाँ पे समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, वास्तविक समस्या की पहचान करना। अब देखिए यहाँ पे वही है कि हिंदी में आप पढ़ोगे तो थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो हम इसे इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 8 साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ पे दोस्तों आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, जिन दोस्तों को हिंदी में समझ में ना आए वो इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे देखिए ये हमारा जून 2019 का क्वेश्चन पेपर आ गया है, इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से स्टेप ऑफ रिसर्च में से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए दोस्तों ये है 20 जून 2019 मॉर्निंग का पेपर है, और इसके अंदर ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने किसके बारे में पूछा हुआ है, क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च। अब देखिए दोस्तों आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एक्शन रिसर्च में से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये पता चल जाता कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं और उनका आंसर क्या होता है, तो आप बिल्कुल आसानी से नेट और जीआरएफ कर सकते हैं दोस्तों। और चलिए मैं इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या है, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, वो हमने देखा था वही इसका आंसर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी दोस्तों को तो ये याद भी हो गया होगा। ये देखिए योजना क्रियान्वयन अवलोकन और चिंतन, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट इसका आंसर है। और यहाँ पे मैं आपको हिंदी में, ये हिंदी में, और यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा एक्शन रिसर्च साइकिल इसका आंसर, ये देखिए आंसर नंबर 2 प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से बिल्कुल आसानी से हम याद कर सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और अभी मैं आपको आगे और भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो रिपीट हुए हैं दिसंबर 2019 में भी। चलिए अभी देखते हैं आगे 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 आगे, आइए 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 आइए। दोस्तों अब मैं बार बार कहता हूँ कि आपके लिए ओल्ड पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप ओल्ड पेपर जो है ना, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों कीजिए, क्योंकि दोनों के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। ये देखिए ये हमारा दिसंबर 2019 का पेपर आ गया है, और इसमें मैं दिखाता हूँ, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा अपना। ये देखिए 2 दिसंबर 2019 मॉर्निंग पेपर है, और इसके अंदर ये देखिए ये रहा अपना वैज्ञानिक अनुसंधान साइंटिफिक रिसर्च। अब आप बताइए दोस्तों कितनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, पता चला अब कितनी बार रिपीट हो रहा है ये। मैं तो ऐसे कहता हूँ, है आपको लगता मैं ऐसे कहता हूँ, नहीं मैं आपको अभी प्रूफ दिखा रहा हूँ विद लाइव प्रूफ, देख लीजिए आप। वैज्ञानिक अनुसंधान में अभी तक 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और हर बार इसका आंसर सेम होता है। अब देखिए इसका जो आंसर है आंसर नंबर 4 अवलोकन अवधारणा निर्माण सिद्धांत निर्माण निगमित निष्कर्ष तथा इसके सत्यापन की प्रविधि, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप क्या क्या होते हैं, और इंग्लिश में हमने पीछे बताया हुआ है आपको, वो देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन बार 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 रिपीट होते हैं। और कुछ दोस्त ये कहते हैं कि अब तो पैटर्न चेंज हो गया है यूजीसी का, अब रिपीट नहीं होते। लेकिन दोस्तों आप खुद देख लो ना, ये दिसंबर 2019 का एग्ज़ाम है, मॉर्निंग शिफ्ट है, 2 दिसंबर की शिफ्ट है, ठीक है, इसमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा 5 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, और इसके अंदर ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर, अब ये देखिए दोस्तों दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है और मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर 5 दिसंबर का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन्होंने जो सिंपल रिसर्च जो होती है उसके स्टेप यहाँ पे इन्होंने पूछे हुए हैं, तो सिंपल रिसर्च के स्टेप हम देख लेते हैं। और आंसर नंबर 4 है सामान्य शोध प्रश्न, यानी कि सबसे पहले प्रश्न तैयार करना, फिर है सैद्धांतिक प्रतिदर्शन, फिर है डेटा संग्रह, डेटा एनालिसिस और सैद्धांतिक संतृप्ति। आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप जो भी क्वेश्चन करें आप उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करने की कोशिश कीजिए, उसके स्टेप है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए कई दोस्त ऐसे कहते हैं कि सर हमें हिंदी में मैटर दीजिए, हिंदी में हमें समझ में आता है। हाँ मैं मानता हूँ हिंदी हमारे समझ में बहुत जल्दी आती है, लेकिन कई बार हिंदी भी हमारे लिए इतनी मुसीबत बन जाती है कि उनका हमें मीनिंग ही समझ में नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आना जरूरी है, बेसिक इंग्लिश आना जरूरी है अगर हमें नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक स्टेप ऑफ रिसर्च में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।